दिसंबर में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन वन प्लस ट्वेल्व आई क्यू ट्वेल्व लावा वीवो एक्स सीरीज रेडमी नोट 13 सीरीज सैमसंग ए सीरीज पे कुछ क्या है कुछ खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन वो सब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश रसोलिया यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वन प्लस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस में हमको वन प्लस ट्वेल्व यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो 6.82 इंच की LTPO पैनल सुपर एमुलेट 144Hz वाली रिफ्रेशर वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और इसमें जो रैम और स्टोरेज है वो 16GB की रैम 512GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाला है। कैमरे सेटअप की बात करूँ तो ट्रिपल रियल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा सोनी की तरफ से। सोनी का जो लाइट 808 सेंसर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल। इनर कैमरा एकदम बेस्ट नेक्स्ट लेवल है और सेल्फी कैमरे में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी की यदि बात करूँ तो 5400 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे 100W का फास्ट चार्जर मिलेगा और ये 4 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है दोस्तों और इसकी प्राइस 60 से 65 हज़ार रुपये होने वाली है। IQ 12 12 तारीख 12वां महीना और IQ 12 दोस्तों यह 12 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसमें काफ़ी तगड़ा कैमरा होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है जिसमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। जापक OIS कैमरा मिलेगा अपन को 64 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का और 50 मेगापिक्सल का एक और सेंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्फी की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलेगा। डिस्प्ले 6.7 इंच का क्यूलेड एमुलेड पैनल होने वाला है 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। रैम टाइप LPDDR5 होने वाली है। 24GB की रैम 512GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें BMW एडिशन के साथ में आता है तो परफॉर्मेंस और कैमरा सेटअप एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी 120 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ में यह स्मार्टफोन 55,000 या 60,000 के आसपास लॉन्च होने वाला है और ये 12 दिसंबर को अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इंडियन वेरियंट वाला लावा स्टॉन्ग करके फ़ोन आने वाला है बहुत जल्द। इसकी प्राइस एकदम मिड होने वाली है 12,000 के आसपास और ये 5G को लेकर आने वाला है। मीडियाटेक डायमंड सिटी का प्रोसेसर होने वाला है। 6.51 इंच की HD+IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90Hz के पैनल के साथ में और यहाँ पे वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा मतलब 8GB और 128GB 256GB के आसपास ये फ़ोन आने वाला है और 8GB के साथ में 8GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी 18W का चार्जर के साथ में यह फ़ोन दिसंबर के अंत तक लॉन्च हो सकता है और इसकी प्राइस 12,000 के आसपास होने वाली है क्योंकि यह 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ वीवो एक्स सीरीज की। तुम शरीफ क्या हुआ, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। आने वाले हैं ये हो सकता है दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में अपन को देखने को मिले। ये कैमरा लेवल का एकदम फ्लैक्सिप स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस 60,000 के आसपास होने वाली है। इसमें हमें Dimensity 9300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.78 इंच की LTPO AMOLED 120Hz वाला पैनल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अप टू 16GB की रैम और 1TB की हार्ड डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी OIS कैमरा 64 मेगापिक्सल का 50 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूँ तो 4880 mAh की बैटरी 120W के फास्ट चार्जर के साथ में यह फ़ोन आने वाला है और दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में ही यह फ़ोन लॉन्च होने वाला है और इसकी प्राइस 55 से 60 हज़ार रुपये के बीच में होने वाली है क्योंकि दोस्तों ये फ्लैगशिप वीवो का फ़ोन है और वीवो X100 के अंदर हमको 100X जूम वाला कैमरा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये आता है रेडमी की तरफ से Redmi 13 Pro Redmi 13 Pro Plus। ये 3 वेरियंट दिसंबर में लॉन्च हो सकते हैं इन तीनों में से कोई सा भी। इस स्मार्टफोन की प्राइस दोस्तों 13,000-15,000 के बीच में होने वाली है। इसमें डायमंड सिटी
6080 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 6GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, 6GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा 108MP प्लस 2MP, भाई पीक ही दे देते यार, 2MP देने की क्या जरूरत थी। फ्रंट कैमरे में 16MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर, और ये दिसंबर में लॉन्च होने की पूरी इसकी संभावना है, और इसकी प्राइस 13 से 15 हज़ार रुपये के बीच में होने वाली है। इसके बाद में मैं आगे बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से अपन को दिसंबर के अंदर ही एक नया सीरीज़ देखने को मिलेगी, सैमसंग A15 5G और सैमसंग A25, ये दो सीरीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसमें डायमंड सिटी 6100 प्लस वाला प्रोसेसर होने वाला है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 6GB की रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाला है। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो वही 50MP, 5MP और 2MP का ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप होने वाला है, 13MP का यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, 5000mAh की बैटरी, 25W का फास्ट चार्जर के साथ में यह फ़ोन 18 से 20 हज़ार के बीच में आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A25, इसमें इंजीनियर्स का 1280 सैमसंग का खुद का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसमें फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.5 इंच, इसमें 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा, 8GB की रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में यह स्मार्टफोन आने वाला है, ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, 50MP, 8MP और 2MP, 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 5000mAh की बड़ी बैटरी, 25W का फास्ट चार्जर और 25,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। ये फोन भी दिसंबर के अंत तक अपन को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको यह अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।